सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। सब्सक्राइब जो लोग खौफजदा है ना हमसे, इसलिए कि सब खो चुके हैं, लेकिन कहीं कहीं टिमटिमाता इश्क का चिराग अभी भी हमारे दिलों में मौजूद है, इसलिए लोगों को हमसे खौफ है। इसको मजीद शोले चौवाल बनाना होगा, मजबूत करना होगा। ये जलसे इसलिए, बच्चे बच्चे को पिला दो इश्क मुस्तफा, हर हर जगह पे जा बैठो हुजूर के इश्क की बात छेड़ दो। और हुजूर तो है ही ऐसे, हुजूर है ही ऐसे कि जो उनको जान ले पहचान ले उनके नाम पे कुर्बान होने को तैयार हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तो और मकतबे फिक्र के लोगों से कहता हूं, अपने मौलवियों का तासुब छोड़ दे, ये मत बोल मेरा मौलवी क्या कहता है। मैं कहा छोड़, आज दौर दूसरा है। क्या बात है, वाह वाह वाह। अपना भी भला चाह, अपनी कौम का भी भला चाह। ये जो तुम कहते हो ना, वो तो मोहम्मद अरबी ऐसे अपनी बेटी को नहीं बख्शवा सकते, अल्लाह। वो तो किसी चीज के मालिक नहीं, मुख्तार नहीं। मैंने कहा हिंदुस्तान भी ये कहता है, तू जरा सोच अकल के नखून ले। कल भी कह रहा था, गलत कह रहा था, आज तो ज्यादा मसला है। कहा क्यों? मैंने कहा हिंदुस्तान में ईमान बचाने के लिए, जबकि लोग गड़े हुए किस्से बयान कर रहे हैं कि हमारा फौला ऐसा था जिसने पूरा हिमालय हाथ में उठा लिया और उड़ करके वहां तक पहुंचा दिया। ऐसी जगह वो हिमालय उठाने वाले की कहानी सुनकर और तेरे ये मुंह की बकवास सुनकर मोहम्मद अरबी का गुलाम रहना किसने? लोग तो बढ़ के कहेंगे ना, मुशरिकीन जो अपनी बेटी को नहीं बचा सकता उसका क्या कलमा पड़ता है? अल्लाह है, उसका क्या कलमा पड़ता है जो किसी के नफा नुकसान का मालिक नहीं? ईमान बचाओगे कैसे? आ हमारे हिमालय उठाने वाले का पैरोकार बन जा, बचा सकते हो ईमान? नहीं। मैंने कहा हम सुन्नियों के पास आए, हिमालय उठाने वाला आए या कोई और पूरी दुनिया उठाने वाला आए, हम कहेंगे ओ हिमालय उठाने की कहानी लाने वाले शान, अगर तेरे ने हिमालय उठाया है तो मेरे नबी की शान ये है कि ये जमीन से कई बड़ा गुना चांद जमीन पे खड़ा होकर मेरे नबी ने इशारा किया है तो चांद टुकड़े हो गया है। सुभान अल्लाह, इसकी कुव्वत का अंदाज़ा। नबी की शान में तौहीन करने, बेअदबी करने, हल्के जुमले कहने से दीन की शात नहीं होगी, तारीफ करने से होगी। मैं तो लोगों को कहता हूँ, लोग दिल छोटा, अपने मौलवी के बारे में ये बहरुल उलूम और ये ऐसे इतना लंबा छोड़ा करते हो, और नबी के लिए उन्हें तो आयशा का हार नहीं पता था, फिर उन्हें तो दीवार के पीछे खबर नहीं थी। मौलवी हो अभी तक अकल नहीं आई, सोचो तो सही, क्या बकते हो? ये बातें करके क्या करोगे? ईसाई बनाना चाहते हो लोगों को, यहूदी बनाना चाहते हो लोगों को? आप बुरा मत माना, मैं आपको पैगाम दे रहा हूं। अगर तुम कहोगे नबी को दीवार के लिखा हुआ है, दीवार के पीछे ही खबर नहीं, तो ईसाई उठ के कहेगा फिर उस मोहम्मद का कलमा क्यों पढ़ते हो जिसको दीवार के पीछे खबर नहीं? उस ईसा का पढ़ लो ना जिसके बारे में तुम्हारा कुरान खुद कह रहा है कि ईसा अलैहि सलाम कहा करते थे, क्या खा के आते हो, क्या बचा के आते हो, मैं सब जानता हूं। तो जो दीवार के पीछे नहीं जानता उसको क्यों कलमा पढ़ रहे हो? जो क्या खा के आते हो, क्या बचा के आते हो, उसका कलमा पढ़ो। यही तो लोग कहेंगे, बचा सकोगे दिन? लेकिन हम कहेंगे सुन ओ ईसाई, सुन, तू कहता ईसा अलैहि सलाम ये कहा करते थे और बिल्कुल हक है, क्या खा के आते हो, क्या बचा के आते हो, मैं सब जानता हूं। ईसा खाने और बचाने को जानते थे और देखते थे, मेरा महबूब वो है जिसने बेहिजाब अपने खुदा का माथे की आंखों से दीदार किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे शान बयान करो ना, कोई यहूदी कहेगा हमारा नबी तो ऐसा नबी जिसने पत्थर पे असा मारा तो पानी के चश्मे जारी हो गए। मैंने कहा बड़ा मौजूदा, लेकिन मेरे नबी की भी तो सुन ले। क्या बात है, क्या मूसा अलैहि सलाम का बड़ा मौजूदा पत्थर पे असा मार के पानी निकालना, लेकिन मेरा महबूब वो महबूब है। हालांकि मूसा भी मेरे नबी है, लेकिन मेरा महबूब जिसका कलमा मैं पढ़ता हूँ ऐसा महबूब है, वहां ना पत्थर की जरूरत है ना असा की जरूरत है। जब प्यासे आते हैं तो उनकी उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो जाते हैं। उंगलियां है फैस पर, टूटे प्यासे झूम के, नदियां पंजाब रहमत की है जारी, वाह वाह। कहा के मूसा ने तो अलैहि सलाम कारून को जमीन में धसा दिया, तवज्जो कर, मेरा नबी वो जिसने, यहूदी कह रहा है, जिसने कारून को जमीन में धसा दिया। मैंने कहा बड़ा मौजजा, लेकिन उसने माफी मांगी, तवज्जो करना क्या फर्क है कलीम में और हबीब में। कारून दस रहा था, माफी मांग रहा था, उज़्र पे तवज्जो नहीं हुई, जलाल मूसा था,
ठीक तवज्जो नहीं हुई, लेकिन मेरा महबूब सुराका को जमीन में धसाया, उन्होंने कारून को धसाया, क्या इन्होंने सुराका को धसाया, तवज्जो करना, ध्यान देना, ये अपना महबूब है, अपना आका है, उन्होंने कारून को धसाया, उज्र कबूल ना हुआ, इन्होंने सुराका को धसाया, और धसाया तो उन्होंने उज्र किया, मेरे आका ने निकाल भी दिया। मौजा धसाते हैं, ये भी मौजा है, मेरे आका धसा के निकाल भी देते। क्या बात है, क्या बात। मूसा दौलत वाले को दौलत की वजह से धसा रहे, और मेरे आका सुराका को धसा के निकाल के किसरा के सोने के कंगन पहनाते हुए नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, अपने नबी की शान है। क्या बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे।